हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 10 ऐसे स्किल्स जिनको आप सीख लेते हैं तो इनकी बहुत डिमांड है फ्यूचर में और इनसे बहुत आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये हाई इनकम स्किल्स भी इनको कहा जाता है, राइट। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आप कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दो, तो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आप सीख सकते हो फ्यूचर में जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड आपके लिए हो सकती है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन सारी स्किल्स को आप कहां से सीख सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्ली कोर्सेज हो सकते हैं जो कि करके आप इन स्किल्स को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ऐसे वीडियो फ्यूचर में हम जब भी लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को स्किल्स बता रहा हूं उनकी कोई ऑर्डर रैंकिंग नहीं है, उसको मैंने ऐसे ही जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है सेकंड की वैल्यू कम है, ऐसा नहीं है। सभी स्किल्स की इक्वल इंपॉर्टेंस है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है वो सीख सकते हैं। सीखना कैसे है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा आने वाले वीडियो में। तो पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्टॉक एनालिसिस या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो यहां से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि भैया स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे जाता है, स्टॉक होते क्या है, ये सारी चीजें अगर आप लोगों को पता है तो बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अगर ट्रेडिंग नहीं आती तो आप डमी ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, उसमें जो है ट्रेड कर करके देखे। आने वाले समय में आपको इस चैनल पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से डमी ट्रेडिंग की जाती है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्टॉक ट्रेडिंग पे कंप्लीट वीडियो बनाऊं कि स्टॉक परचेज कैसे किए जाते हैं, कैसे उनको बाय किया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, अगर चाहते हैं मैं कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताएं। अगर आप लोगों के ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय पे। तो स्टॉक मार्केट की बहुत डिमांड है तो आपके लिए बहुत एक इफेक्टिव स्किल्स ये रह सकती है। इसके लिए अच्छी बात यह है कि आपको कोई डिग्री वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं एनएससी के वगैरह के जो आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे रखूंगा वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट को। वेब डेवलपमेंट यानी अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है, ऐप डेवलपमेंट मतलब अगर आप लोगों को एंड्रॉइड ऐप्स बनानी आती है या फिर यू नो आईओएस की ऐप्स बनानी आती है तो आपके लिए एक अच्छे मौके रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे जैसे इंडिया डिजिटल हो रहा है इन सारी चीजों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। एक वेबसाइट से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, दिस इज एंटायरली पॉसिबल। आपको अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करना होता है, अगर लोग आपके ट्रैफिक ज्यादा आने लग जाता है तो बहुत प्रॉफिटेबल सौदा है क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि वेबसाइट या फिर ब्लॉग किस तरीके से बनाया जाता है तो हमने इस पर हमारे चैनल पर कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप जाके हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डेवलपमेंट के लिए भी दोस्तों हमने हमारे चैनल पर ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाए हुए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को विदाउट कोडिंग किस तरीके से ऐप बनाई जाती है वो बताया हुआ है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके चेक करो। आप 20 मिनट में अपनी ऐप बना के प्ले स्टोर पर पब्लिश भी कर सकते हो, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन जो है कोर्सेज भी होते हैं वेब डेवलपमेंट पे, ऐप डेवलपमेंट पे, वो भी आप कर सकते हो। कुछ पेड होते हैं, अनपेड होते हैं, तो वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, राइट। तो इसी के साथ दोस्तों तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग आज की डेट में मैं कहूंगा डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। अगर आप लोगों को पता है डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है तो ब्रांड्स आपको लाखों रुपए देने को तैयार है, बिल्कुल ये चीजें पॉसिबल है, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, राइट। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती है कि ऐप के थ्रू मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्लॉग के थ्रू कैसे करनी है, वीडियोज के थ्रू कैसे करनी है, इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे करनी है, आज की डेट में सोशल मीडिया क्या है, ये सारी चीजें दोस्तों मार्केटिंग के जरिए है। जहां पे भी लोग ज्यादा आते हैं वहां पे ब्रांड आते हैं, अपनी चीजों को स्पॉन्सर्ड करते हैं, प्रमोट करते हैं ताकि उनका ब्रांड आगे बढ़ सके। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे खर्चा भी ज्यादा आता है और यू नो जो नई नई कंपनीज है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि अपनी जो ब्रांड को वो डिजिटली प्रमोट कर सके ताकि उनका खर्चा भी कम आए और वो जो है एनालिटिक्स वगैरह भी उनको जो इसकी सुविधा भी मिल जाती है। अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप चीजें देखना चाहते हैं तो हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो इससे रिलेटेड बनाए हुए हैं, आप जाके जरूर चेक करें, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री में मिल सकती है। चौथे नंबर पर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फाइनेंस मैनेजमेंट की भी फ्यूचर में बहुत डिमांड होने वाली है क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर्स की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो जरूरत है हर कंपनी में पड़ती पड़ती है। नो मैटर वो कंपनी कितनी भी एडवांस हो चुकी हो, कितनी भी उसमें अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी हो, फाइनेंस मैनेजर्स या फाइनेंस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड कोर्स कौन कौन से हो सकते हैं आप ये जानना चाहोगे तो आप बीबीए, अगर डिग्रीज के रिलेटेड में बात करूं तो आप बीबीए कर सकते हो। इसके अलावा यू नो आप एमबीए कर सकते हो, एमबीए फाइनेंस कर सकते हो, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव रह सकता है। पांचवें नंबर पे दोस्तों मैं यहाँ पे लूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये जो स्किल्स है ये सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपको पता है कि किस तरीके से बातों को कहा जाता है, प्रेजेंटेशन देने में अच्छे हैं,
आपकी जो कंपनी में भी बहुत डिमांड होने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं है, ये हमारी लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उनको बहुत सारी चीजें पता होती है, बट उनको यही नहीं पता कि उस बात को कहना कैसे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग जो है कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स है जो आपको ये मौका देती है जहां पे आप ये सारी कोर्सेज सीख सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप जाके चेक करें। छठे नंबर पे हमारे पास आ जाती है नेगोशिएशन स्किल्स। अब ये जो स्किल है इसका कोई पर्टिकुलरली कोर्स नहीं होता, ये अपने अंदर से चीजें आती है या इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। नेगोशिएशन का मतलब होता है कि आप अपनी बात लोगों को किस तरीके से मनवाए बिना लड़े, राइट। ये जो स्किल है वो हर जगह लाइफ में अप्लाई होती है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पे आपको डिप्लोमेटिक होना होता है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां आपको नेगोशिएशंस आने चाहिए, किस तरीके से अपनी बात बैठाना सामने वालों को भी खुश रखे, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है दोस्तों। ये स्किल आपको बहुत मदद कर सकती है आपके लाइफ में। तो इस चीज पे भी दोस्तों आप लोगों ने काम करना है, ऑनलाइन पढ़ो सीखो, आपको अपने आप चीजें आएंगी, लोगों से ज्यादा मिलो तो ये सारी चीजें आप डेवलप कर सकते हो। साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल मैं कहूंगा वो है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं। यू नो, अगर आप लोगों ने ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लिया जिसकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है तो आपका बिजनेस तो गड्ढे में जाना ही जाना है। तो बिजनेस हमेशा मार्केट रिसर्च करने की बात करना चाहिए। और जनरली अगर आप बिजनेस नहीं भी करते तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट रिसर्च किस तरीके से की जाती है, मार्केट में क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या चीजों की डिमांड फ्यूचर में ज्यादा है। अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो आप लाइफ में जो है कभी फेल नहीं होगे, या फिर मैं कह सकता हूं कि आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप जल्दी समझेंगे कि अब मान लो आप लोगों को अपना एक फ्यूचर में आप 12th में हो और आपको जो है कोर्स सिलेक्ट करना है फ्यूचर के लिए। अब आपने जो है एक ऐसा कोर्स सिलेक्ट कर लिया जो आपको तो बड़ा पसंद है बट उसकी फ्यूचर में कोई डिमांड ही नहीं है, या फिर उससे रिलेटेड जो कोई कंपनीज ही नहीं है जो आपको जॉब देती है, तो अब आपको लगता है कि उस कोर्स को करने के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी। तो ऐसे में दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं कि मार्केट रिसर्च को करना बहुत जरूरी है कोई भी काम करने से पहले। अगर आपको ये पता होगा कि ट्रेंड में क्या चल रहा है और आप लोगों ने वही स्किल सीख ली है, आपको वही चीज आती है, तो आपकी मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ सकती है। तो ये चीज का आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है। आठवें नंबर पर मैं यहाँ पे रखूंगा नेटवर्किंग को। नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है, इससे रिलेटेड दोस्तों कोई कोर्सेज नहीं होते, ये चीजें आप लोगों को अपने आप आनी चाहिए। अभी आप चीजें अपने आप कैसे सीख सकते हो, आप इंटरनेट पर आर्टिकल पढ़ो, गूगल पर कभी सर्च करो कि हाउ टू इंप्रूव नेटवर्किंग स्किल्स, ऐसे अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख रखी है। और जो मैंने आप लोगों को वेबसाइट बताई है जिसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे आप लोगों को नेटवर्किंग से रिलेटेड भी बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह, बहुत सारे यू नो मटेरियल मिल जाएगा जो आपको मदद कर सकता है आपकी नेटवर्किंग को इंप्रूव करने में। अब एक्जैक्टली नेटवर्किंग होता क्या है, नेटवर्किंग का मतलब होता है कि यू नो आप मान लो एक कंपनी में है, आपकी एक अच्छी रेपो बनी हुई है अपने मैनेजर से, आप सभी लोगों को जानते हैं कंपनी में, तो आपके लिए काम का होना बड़ा जल्दी हो जाएगा, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी काम कराना है, आपको ये पता है कि मैनेजर मेरे जान पहचान का है, मेरी उससे अच्छी रेपो है, तो आपका काम जल्दी होगा। तो इसको कहते हैं नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग जो है हमारी लाइफ में बहुत काम आती है, तो इस पे भी दोस्तों आप लोगों ने फोकस करना है। नौवें नंबर पे मैं यहां पे रखना चाहूंगा क्लोजिंग सेल्स डील्स। अब यहाँ पे ये जो स्किल्स है ये उन लोगों के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में है, या फिर जो लोग जो है बिजनेस की फील्ड में है। तो अगर आप लोगों को पता है कि जब भी आप किसी को डील को क्रैक कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से अपने हिसाब में लेके आना है, राइट, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रह जाता है किसी डील को क्रैक करना या फिर बिजनेस करना। इसको आप जो है इंटर रिलेटेड कह सकते हैं नेगोशिएशन स्किल से, ये उसी का एक पार्ट भी हो सकता है, बट ये चीज भी आप लोगों को आना बहुत जरूरी है लाइफ में। इससे रिलेटेड भी कोई कोर्सेज नहीं होते, ये आपको अपने आप ही सीखना पड़ेगा। आप इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि एग्जैक्टली होता क्या है डीप में और इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो इस पर भी आप लोगों ने फोकस करना है। और दसवें नंबर पर दोस्तों आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप इसको R&D भी कह सकते हैं, और ये एक स्किल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो आप लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नया बिजनेस आप लोगों को आइडिया आया है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपने मार्केट रिसर्च तो कर लिया और आप लोगों को अब उससे एक बिजनेस प्लान बनाना है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, जो वायबल हो, जो लोग पसंद करे और जिसमें आपको प्रॉफिट भी हो। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को R&D पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी फर्म है वो R&D पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है, जैसे कि एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सारी जो कंपनीज है वो R&D पे बहुत ज्यादा खर्च करती है। वो नए नए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और नए नए जो है उनको एक्सपेरिमेंट से अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं, जिससे अलग अलग जो है बेहतर एक प्रोडक्ट जो है तैयार होते हैं। तो R&D का भी एक अपना ही जो आप कह सकते हैं कि ये एक स्किल्स है, और ये जो स्किल है ये एक पर्टिकुलरली टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे मान लो आपकी जो रुचि है वो कंप्यूटर्स में ज्यादा है, तो यहाँ पे आप जो कंप्यूटर्स के R&D स्पेशलिस्ट बन सकते हैं।
अगर आप लोग जो है बायो में है या फिर आप लोगों ने कोई और सब्जेक्ट ले रखा है, तो हर सब्जेक्ट के अपने R&D स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। बहुत सारे जो कंपनीज है वो R&D स्पेशलिस्ट को हायर करती है और उनको एक अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, अगर आपका माइंड इस तरीके का है, अगर आपको ये सारी चीज़ें करना पसंद है। तो दोस्तों ये तो थी वो 10 स्किल्स जो आप लोगों ने सीखनी है। आप लोग जो है इनमें से कोई भी स्किल सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत जो है फ्यूचर जो है इजी रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग ट्वेल्थ में है या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप कोर्स करें अपने या फिर जो भी डिग्री सिलेक्ट करें वो उसी स्किल से रिलेटेड सिलेक्ट करें जो आप लोगों को पसंद है। जैसे अगर आप लोगों को मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, तो आप IT से रिलेटेड कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, ताकि जो है आपको वो इन्फॉर्मेशन तो मिले, राइट? मैं मानता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके कोई काम की नहीं होंगी, बट स्टिल क्योंकि हम अभी सिस्टम तो चेंज नहीं कर सकते, उम्मीद करता हूं धीरे धीरे आने वाले समय में जैसे जैसे हमारे जैसे लोग आवाज उठाएंगे तो सिस्टम एक ना एक दिन चेंज जरूर होगा। बट फिलहाल आप लोगों ने वही डिग्री कोर्सेज सिलेक्ट करने जो आप लोगों को जिस स्किल्स में रुचि है, तो आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं होने वाली, राइट? तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूं जो हमारी कोशिश रहती है आप लोगों तक कुछ नया पहुंचाने की, बताने की, वो पूरी हुई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, एजुकेशन, ओपिनियन, इंटरेस्टिंग फैक्ट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, तो उन वीडियोस को भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। कुछ वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बाकी आप हमारा चैनल चेक करना ना भूले। तो दोस्तों जल्द ही अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।